हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा आप एक्सेल सॉफ्टवेयर पे मार्कशीट डाटा कैसे बना सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है उसमें मार्कशीट डाटा जो है वो आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करके वर्ड आर्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट लिख लेता हूँ, मार्कशीट डाटा बेस। ये मैंने मार्कशीट डाटा बेस बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर मंथ स्टूडेंट्स नेम फादर नेम कॉन्टैक्ट्स क्लास ईयर भी ऐसे डाल लेते हैं 2017। मंथ में सपोज डेट हमने डाल दिया अप्रैल। स्टूडेंट्स के नाम डालने हैं हमें, तो स्टूडेंट्स के नाम डाल लेते हैं हम, राजकुमार श्याम सिंह रवि पाल दुर्गेश पाल रजत सिंह रमेश सिंह संदीप कुमार लाल सुधीर मोहन एलएल शर्मा राजा वर्मा मिश्री लाल वर्मा राजेश शर्मा शंकर लाल शर्मा संतोष तिवारी निहाल चंद तिवारी सचिन पुंडिर राज सिंह पुंडिर आकाश शर्मा संतोष तिवारी। ये मैंने नेम लिस्ट बना लिया, फादर नेम हो गया और ये आपका स्टूडेंट नेम हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमारी नेम की लिस्ट। क्लास हम लिखेंगे IX मतलब नाइन्थ, तो हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद क्लास के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे हमारे हिंदी,
इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, काउंट, मैक्स, मिन, सम। सिलेक्शन, हेडिंग में कन्वर्ट डाटा, फिल कलर, फ़ॉन्ट कलर, उसके बाद सब्जेक्ट में हिंदी की नंबर रखेंगे हम 45, 55, 62, 51, 46, ऐसे हम नंबर रख लेते हैं पहले। ये हमने नंबर डाल दिए बच्चों के, और उसके बाद काउंट पे क्लिक करेंगे। अब काउंट का मतलब होता है कि काउंटिंग करता है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। तो कई सारे तरीके हैं काउंट निकालने के। पहला तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करें इंसर्ट फंक्शन पे, और आपको टाइप करना है CONT, दो बार एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, और ओके करने के बाद आ जाएगा कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कितने थे टोटल, मतलब जो बच्चा है वो एग्ज़ाम दिया वो कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो वो सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5। कल को बच्चे ने एक में सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दिया तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और दो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दिया तो 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे ये सब्जेक्ट को काउंट करता है काउंट कमांड। मैक्स निकालने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, MAX, गो पे क्लिक करेंगे, मैक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करके एरिया ओके करते हैं तो मैक्सिमम नंबर बताएगा कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है, कौन सा सब्जेक्ट है और कितना नंबर है। यहाँ पे इन सब्जेक्टों में सबसे कम नंबर कौन सा है ये मिनिमम वैल्यू बताता है, तो मिन लिख के गो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। अब जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके आप ओके करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा वैल्यू। सम होता है टोटल नंबर के लिए, आप SUM सम, और दो बार एंटर प्रेस करके सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो टोटल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी इससे आगे एक आता है ABERAGE, एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के लिए भी आप यहाँ पे ऐसी लिखेंगे ABERAGE, दो बार एंटर प्रेस भी कर सकते हैं, गो पे भी क्लिक कर सकते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और जब ओके करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट तरीके से आप इक्वल CONT काउंट यहीं से लिख लीजिए, ऐसा ब्रैकेट लगाइए, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर करिए। ऐसी मैक्स निकालना है तो इक्वल MAX लिखा, शिफ्ट दबा के 9, और उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम निकालना है तो इक्वल MIN, शिफ्ट दबा के 9, ऐसा ब्रैकेट के लिए, मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें इसी से आता है, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। ऐसी सम निकालना है तो SUM, शिफ्ट दबा के 9 और सब्जेक्ट का सिलेक्शन और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। एवरेज निकालने के लिए इक्वल ABERAGE एवरेज, शिफ्ट दबा के 9, सब्जेक्ट का सिलेक्शन और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये हमारा एवरेज निकल गया, ये सम हो गया टोटल, ये मिनिमम नंबर, ये मैक्सिमम नंबर, और ये मैक्सिमम के बाद काउंट टोटल कितने सब्जेक्ट। तो ये काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, ये फॉर्मूला है। इन सभी को जल्दी निकाल लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं और कंट्रोल डी, तो ये हमारा आंसर निकल गया। डिवीजन ये वाला इसे डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज तक निकल गया, निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बाद डिवीजन निकालना है। डिवीजन
तो मैंने डिवीजन के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी और वो कंडीशन है इफ कंडीशन। तो लॉजिकल इफ, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एवरेज पे क्लिक करना है और ये कह रहा है यदि एवरेज आपका ज़्यादा हो जाए किससे, 59 से, तो डिवीज़न बननी चाहिए फर्स्ट। अगर इंडिया में देखा जाए तो 60% पे, 60% पे फर्स्ट डिवीज़न बनती है, इसलिए मैंने 59 डाला है कि एक भी ज़्यादा होने पे फर्स्ट डिवीज़न बन जाए। नहीं तो यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 44 से तो डिवीज़न बननी चाहिए सेकंड। नहीं तो एवरेज यदि ज़्यादा हो जाए 32 से तो डिवीज़न बननी चाहिए थर्ड, अन्यथा फेल। ओके कर देंगे तो ये आपका सेकंड डिवीज़न बन गया। नंबर हम कम ज़्यादा करके देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से सेव कर लेते हैं, मार्कशीट डाटा। अब क्या है कि मुझे ये, मैं नंबर कम करके देखता हूँ, जैसे मैंने 45 की जगह यहाँ देखिए टोटल 259 है, तो यहाँ पे मैंने नंबर करा 33 33 33 33 33, तो देखिए यहाँ थर्ड डिवीज़न आ गया, यहाँ पे थर्ड डिवीज़न आ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, 55 55 55, देखिए सेकंड डिवीज़न हो गया। मैंने यहाँ पे कर दिया 68 और यहाँ पे कर दिया मैंने 60, तो देखिए यहाँ पे अभी डिवीज़न 58.6 है, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी कर दिया 77, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न है। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉजिकल इफ, ओके। एवरेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन, यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 59 से तो डिवीज़न बननी चाहिए बच्चे की फर्स्ट। यहाँ पे क्लिक करा इफ, यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 44 से तो डिवीज़न बननी चाहिए सेकंड। इस पर क्लिक करा इफ, यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 32 से तो डिवीज़न बननी चाहिए थर्ड, अन्यथा फेल। अब जब आप ओके करेंगे जब, तो यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगी। इस तरीके से आपको निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये। और अब हम इसे थोड़ा सा और जल्दी करते हैं, सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल डी। अच्छा, डिवीज़न के बाद हम क्या करेंगे, हमें ग्रेड निकालना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न है, तो डिवीज़न के बाद यहाँ पे मुझे ग्रेड निकालना है, तो GRADE ग्रेड। अब ये ग्रेड कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें इंसर्ट फंक्शन पे जाना है, उसके बाद हम यहाँ पे लॉजिकल सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इफ करेंगे। इफ करने के बाद जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपने अभी पहले यूज किया था। तो आपको करना क्या है, एवरेज पे क्लिक करके ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और उसके बाद 61 डालना है। अब 61 से अगर एबव होता है तो आपका जो ग्रेड है वो ए बनना चाहिए। ये मैंने सपोज कर रखा है, मान रखा है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा सॉरी और यहाँ पे नीचे क्लिक कर दिया। उसके बाद यदि एवरेज हमारा, इफ पे क्लिक करने के, यदि एवरेज ज़्यादा हो जाता है 51 से तो ग्रेड आपका बी बनना चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद दोबारा आप इफ पे क्लिक करेंगे, फिर एवरेज पे क्लिक करना है और ग्रेटर देन 41 के बाद सी ग्रेड, अन्यथा डी। तो ये हमारा ग्रेड तैयार हो जाएगा, ये ग्रेडिंग है। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉजिकल इफ, ओके। यदि हमारा एवरेज ज़्यादा हो जाता है 61 से तो आपका ग्रेड बनना चाहिए ए, अन्यथा यदि एवरेज ज़्यादा हो जाए 51 से तो ग्रेड बनना चाहिए बी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यदि एवरेज आपका ज़्यादा हो जाता है 41 से तो ग्रेड होना चाहिए सी, अन्यथा डी है ये। ओके करने पे वो आ जाएगा। सभी को सिलेक्शन करके कंट्रोल डी दबाएंगे और ये हो गया हमारा फिक्स। थोड़ा सा हम इसमें स्पेस सेट कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा सा ऐसे ही, उसके बाद अब हम इसे करना क्या है, हमें करना है इसका सिलेक्शन और इसे मैं थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका कलर हम ये कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं ये,
फिर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ये, और इसका भी कलर कर देते हैं ये, उसके बाद इसका सिलेक्शन, फिर इसका कलर करते हैं हम ये, और इसका कलर ये, फिर इसका सिलेक्शन, इसका कलर हम कर देते हैं ये, और इसका कलर कर देते हैं ये, फिर इसका सिलेक्शन, इसका कलर कर देते हैं ये, सॉरी थोड़ा सा और डार्क करते हैं ये, फिर इसका सिलेक्शन, इसका कलर हम कर देते हैं ये, और इसका कलर कर देते हैं ये, फिर इसका सिलेक्शन, इसका कलर कर देते हैं हम ऐसा, फिर इसका कलर ऐसा। अब देखिए ये जो है सब्जेक्ट सभी सेट हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट का एक साथ हम कलर कर लेते हैं, और थोड़ा डार्क करते हैं ये, इसका कलर कर देते हैं ये, फिर काउंट का इसका कलर कर देते हैं ये, इसका कलर कर देते हैं ये, फिर मैक्स का इसका कलर कर देते हैं हम ये, और फिर इसका कलर ये, फिर मिन का इस पर क्लिक कर देते हैं ये, फिर इसका कलर ये, फिर सम का टोटल नंबर ये, फिर इसका ये, फिर एवरेज ये, फिर ये, इसका कलर कर देते हैं, कलर की तो कमी नहीं है, कलर आप कितना भी कर सकते हैं इसमें, इसका कलर ये, फिर लास्ट में डिवीजन, इसका कलर कर देते हैं हम ये, और इसका कलर। तो ये हमारा डाटा बन गया है, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा जो भी मैंने डाटा बनाया है, और आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। कुछ चीज़ें अगर आपके समझ में नहीं आ रही हैं, दिक्कतें हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और ताकि मैं बता सकूँ आपको, जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे बता पाऊँगा। तो ये हमारा मार्कशीट डाटा तैयार हो गया है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।